अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 7 अलजब्रा, एक्सरसाइज नंबर 7.2, पेज नंबर 95 एंड 96। टुडेज टॉपिक इज इवेलुएटिंग अलजब्रिक एक्सप्रेशंस। नाउ आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स की वैल्यू हमारे पास -2 है, ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास 4 है एंड z की वैल्यू हमारे पास -3 है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये कुछ एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है जिसकी हमें वैल्यूज़ मालूम करने की, इनकी वैल्यूज़ क्या है। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास है 4x² प्लस 9y² माइनस 6xy, ठीक है। 4 पहले हम एज इट इज़ राइट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, तो हम -2 राइट करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर है प्लस 9 y का स्क्वायर आपके पास क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 6, x की वैल्यू क्या है आपके पास -2, y की वैल्यू आपके पास क्या है 4, तो आप 4 राइट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्क्वायर्स मालूम करेंगे, 4 एज इट इज़ राइट करेंगे। माइनस का स्क्वायर मैंने आपको बताया था, कोई भी वैल्यू माइनस में जो होती है उसका स्क्वायर निकालते हैं, उसका पॉजिटिव भी स्क्वायर निकलता है। -2 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास 4, प्लस 4 में आएगा, ठीक है। 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब दोनों साइन क्या है -6 और -2, साइन सेम है तो पॉजिटिव आएगा, 6 2s are 12, ठीक है। 12 को फिर हम 4 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 4s are 16 प्लस 9 16s are 144 प्लस 12 4s are 48, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन तमाम को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि प्लस की साइन है तमाम के साथ, तो सेम साइन है तो प्लस ही होगा, ठीक है। 16 4 4 1 8 4, ठीक है। तब 6 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 10, 10 प्लस 8 18, 18 का 1 हम का 1 जो है वो हमने कैरी कर दिया है। 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 का 1 अगेन हमने कैरी कर दिया है। 1 1 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2, तो आंसर हमारे पास आया 208, ठीक है, इट्स सर आंसर। Now I will explain question number 3. If V is equal to 3, T is equal to 5 and A is equal to 4, then find the value of X is equal to VT plus 1 upon 2 AT square. ठीक है, हमें सॉल्व करना है, वैल्यूज हमारे पास गिवन है, हमें सिर्फ पुट करनी है, ठीक है। V की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, तो हम 3 राइट करेंगे। T की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो हम 5 राइट करेंगे, प्लस 1 upon 2। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, तो ए की जगह हम 4 राइट करेंगे। टी की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो क्योंकि टी के ऊपर स्क्वायर है तो 5 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5s are 15 प्लस 1 upon 2, ठीक है। 4 एज इट इज़ राइट करेंगे हम, क्योंकि 5 का पहले हम स्क्वायर मालूम करेंगे। 5 5s are 25, ठीक है। 15 प्लस 1 upon 2, 2 से 4 कट हो रहा है, देखें 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है। अब 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 50, ठीक है। 15 दोनों सेम साइन है हमारे पास, ठीक है। 15 और 50, तो हमारे पास आंसर आएगा 65, इट्स अ आंसर। दिस इज़ योर असाइनमेंट, सॉल्व ऑन लीफ पेपर एंड सबमिट एट स्कूल। Thank you students for watching video. Take care. Allah Hafiz.